पर और प्रेस करो, क्या कर लिया, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। हाँ, अरे एक और, एक और, एक और, और स्माइल, नेहा, अर्जुन भाई, अक्षय एंड ग्रुप ले दो। गणपति बप्पा मोरिया। एक बार फिर हर साल की तरह बप्पा का आगमन आपके घर में हुआ, किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ, किस तरह की क्या एक्साइटमेंट आप में था, प्लीज शेयर कीजिए। पूरे मज़े से किया है, इन द सेंस कि सारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है, सब इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे मुझे लगता है दुनिया में हर चीज़ एक वाइब्रेशन होती है, तो वो जो वाइब्रेशन इस दौरान क्रिएट हो जाती है अपने आप ही, अपने को स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। पापा आ जाते हैं, एवरीवन यू नो, खुद ही अपने आप ही फेसेस पे ना स्माइल सी रहती है पूरा दिन, और यू नो एवरीवन कमिंग टू सीक ब्लेसिंग्स, तो बहुत मज़ा आता है। सब साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, हम तो डांस भी करते हैं, गाने लगाते हैं गणपति बप्पा के, और सेलिब्रेट करते हैं। और ये इसीलिए शुरू भी किया था लोकमान्य तिलक जी ने, गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव जो है, ताकि सब इकट्ठा आए, और भगवान को भी आप यू नो प्रे करते ही हैं, लेकिन लोग जो एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं उस टाइम पे, वो भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। बप्पा का दूसरा नाम विघ्नहर था, तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कौन सा एक ऐसा विघ्न है जो बप्पा ने आपका हर लिया और आप उनके शुक्रगुजार। बप्पा ने हमारे हर विघ्न को ख़त्म ही किया एक तरीके से, जब भी कुछ अड़चन आती है तो मैं उनको प्रे करता ही हूँ, मैं रोज़ ही गणेश पूजा करता हूँ, रोज़ गणेश आरती सुनता हूँ। तो देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, ऐसा नहीं कि आनी नहीं है क्योंकि आप पूजा करते हो, वो है कि वो आपको स्ट्रेंथ देता है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए। लाइफ इज़ अबाउट अप्स एंड डाउन्स, इट्स गोइंग टू हैपन इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। कभी हेल्थ को लेकर हो जाती है, कभी काम को लेकर हो जाती है, कभी किसी और चीज़ को लेकर हो जाती है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, सच्चे मन की है, तो वो आपको शक्ति देता है कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्गली फेस कर सकते। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वापस एक ही चीज़ मांगती हूँ कि हम सबको हमेशा मतलब फिट रखे, मतलब हेल्दी रखे, ताकि हम हर चीज़ को स्ट्रॉन्गली और पूरे उसके साथ जोश के साथ फाइट कर सकें। आप दोनों जाना चाहिए, इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप पापा का दिन भर कैसे ख्याल रखते हैं? अरे वो तो भी हो जाता है, जब 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 जैसे कि मैंने कहा, जब वो आते हैं ना, तो वो आप ही रास्ता बनाते हैं कि क्या कौन कैसे करता है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ उनके हाथ में ही होता है, जो हम ये सब कर पा रहे हैं उन्हीं की कृपा है, इसलिए कर पा रहे हैं, वरना कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो उनका आशीर्वाद बना रहता है, इसीलिए सब। आपके हर प्रोजेक्ट्स में देखते हैं काफ़ी प्यार मिलता है लोगों का, अभी हाल ही में लैपटॉप शेप चल रहा है, उसमें भी प्यार मिलते जा रहा है, इसमें बप्पा का कितना बड़ा हाथ? बप्पा का ही हाथ है, मैं कहता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट भी ट्यूसडे के दिन ही साइन करता हूँ, क्योंकि मैं उनमें इतना मानता हूँ, और टच वुड काम अच्छा चलता है एंड लोग इतना प्यार देते हैं कि बप्पा के बाद अगर मैं किसी मतलब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा काम अच्छा चलता है, वो है लोगों के प्यार के वजह से, क्योंकि अगर उनका प्यार नहीं होगा तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलना नहीं भूलता, इसको थैंक यू बोलना नहीं भूलता, और बप्पा को थैंक यू बोलना नहीं। बिकॉज आपकी पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करती है, बप्पा जो है ओवरऑल एक बैलेंस और हमेशा यू नो उनका हाथ आप पर बना रहता है, और लोगों का प्यार जब बना रहता है तभी एक एक्टर यू नो सक्सेसफुल हो सकता है। इस बार आपने बप्पा से क्या विश मांगा? विश वो तो प्राइवेट है, वो तो प्राइवेट है, लेकिन हम बेसिक यही मांगते हैं कि सबको यार हेल्दी रखो, और हम ऐसे ही स्माइल करते रहे और खुश रहें। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि यू नो खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। मुझे पता है कि सबकी लाइफ में कहीं आने वाली प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन थ्रू दिस जर्नी ऑफ लाइफ इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्माइल, हंसते रहिए और खुश रहिए। आपकी तरफ से गणपति बप्पा बोलिएगा। त्रिवाचनं करिष्ये तीन बार जल्पिना। ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा, ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। रिजेक्टेड नहीं भाई। ओम नारायणाय नमः स्वाहा।
रिम गोविंद इति हस्त प्रक्षाल्य वॉश करो वॉश अरे वो वॉश करने के लिए कोई बात नहीं ठीक है वॉश है कम स्टैंड है ही इज हियर ही इज इंग्लिश गणपति तो मैं देवा सर्व कार्येषु सर्वदा ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः ओम गम गणपति नमः सिद्धि विनायक मृत्यु सिद्धि गणाधिपति गणपति नमः बाबा से प्रार्थना करें कि तीन दिन आप यहाँ पर आती